लंच अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ रायगढ़ और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है विलेज में आने के बाद। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ श्री नारायण और सेल से जो डिस्टेंस है रायगढ़ का वो 117 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों चलते का आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। दोस्तों इस समय जो हमारी गाड़ी है वो खड़ी हुई है कहाँ पे, पेट्रोल पंप के पास, बिकॉज हमारी जो गाड़ी में पेट्रोल है वो हो चुका है कम। और यहाँ से फिल करवाने के बाद चलेंगे आगे की तरफ और देखेंगे आगे का नज़ारा। और आज का जो मौसम बड़ा औसम है, दिल्ली का इस समय जो मौसम है बहुत ही ठंड वाला मौसम है, यहाँ पे जो ठंड है वो आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। और जो हमारी टैंकी है वो फिल हो चुकी है, आप देख सकते हो हमारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं। और चलते हैं कहाँ आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। जो हमारी गाड़ी है वो यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकी हुई है। आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देखते हो तो जो हमारी गाड़ी है वो यहाँ पे रुकी हुई है। और जिन जिनको फ्रेश होना वो हो जाएंगे फ्रेश, और कुछ जो लोग हैं वो गए हैं क्या कपड़े लेने। और आज का जो मौसम है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप निकली हुई है और मुझे लग रही है क्या गर्मी। और चलते हैं कहाँ गाड़ी के अंदर और कुछ ही देर में चलेंगे कहाँ आगे की तरफ। और यहाँ से जो हमारे डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए तो चलते कहाँ आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। दोस्तों मैं फाइनली रायगढ़ पहुंच चुका हूं बाबा सत्यनारायण बाबा धाम के, बिल्कुल मतलब आप देख सकते हो मैं अंदर एंट्री करके आ चुका हूं और जो बाबा जी के दर्शन थे वो मैं कर चुका हूं। और ऐसा माना जाता है ये बाबा तीनों ऋतु में बैठे रहते हैं खुले आसमान के नीचे। और इनका जो जन्म हुआ था वो होता कृषि साहू के परिवार में। और आप देख सकते हो अंदर का जो नज़ारा था वो कैसा था, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। और आप देख सकते हो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और जिनका नाम है प्यारे लाल साहू, जिन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो क्या कहना चाहते हो प्यारे लाल जी, आप अपना कुछ तो कहो। नहीं नहीं नहीं, तो दोस्तों अभी हमारे जो प्यारे लाल जी हैं वो अभी शर्मा रहे हैं और इनके साथ चलेंगे कहाँ घर की तरफ। अब फिलहाल अभी मैं रायगढ़ में 2 डेज स्पेंड करने वाला हूँ और आज का जो डे था काफ़ी औसम था। और अभी आप देख सकते हो जो हमारी फैमिली है अभी भी कुछ जो सामान है वो परचेज़ कर रही है, देन आफ्टर चलेंगे कुछ लोग यहाँ स्पेंड करेंगे और कुछ लोग जाएंगे कहाँ अपने घर की तरफ।